केजरीवाल जी को कोई मोदी जी ने थोड़ी बंद करवाया। कभी जीवन में एक बियर भी नहीं पिएगी। अब मजे लेने वाले तो मजे लेंगे दारू। अंध भक्त नहीं, ये राम भक्त है। या इस कॉलोनी में कोई आपके आईपीएस था या ये आईपीएस थे जो मोदी जी ने छीना? जय श्री राम का चोला पहन रखा है, जय श्री राम का चोला पहनूंगा। हमें भारत चाहिए, टिकट नहीं चाहिए। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। किन किन मुद्दों पे बदलाव होगा ये बताइए। रोजगार के ऊपर होगा। हाँ, रोजगार के ऊपर होगा। बहुत बढ़िया बात बोली है। युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी केंद्र सरकार में, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। अब ये देखो ना, अरविंद केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हो। हाँ, के राशन कार्ड, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, मोदी की भी बात कर रहे हैं। आप दारू घोटाला लेके बैठे हो। सरकार जल बोर्ड घोटाला है, जल बोर्ड घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, मोहल्ला कोर्ट। आप एक बात सुनिए, 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 कोर्ट में आप एक बात बताइए, क्या क्या जज जो है, जज बिके हुए हैं? इस बात को मैं नहीं कह सकता। देखो मैं, अब आप बताइए, क्या क्या भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का जस्टिस जो है वो बिका हुआ है? अगर वो जमानत नहीं दे रहे हैं, आपको पता है कि जमानत सुरक्षित कल फैसला आया था। ईडी कह रहे हैं ना कि ईडी सबूत पेश करे। ईडी सबूत पेश किया, इसलिए तो जमानत। सबूत पेश ही नहीं करे, सबूत पेश नहीं करे उसको तो। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम बंटी नाम है मेरा। बंटी भाई साहब, कल सुनवाई थी केजरीवाल की। हाँ जी, खबरें देखते हैं। हाँ जी, देखी है ना, मामला सुरक्षित रखा गया था। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई जल्द से जल्द ना सबूत पेश करें। अरे सुनिए, वो फटकार ईडी को भी फटकार। आंटी भाई साहब, बात सुनिए, वो फटकार पिछली बार लगाई गई थी। अब की बार जो है जब सुनवाई होनी थी कल जमानत पे, तो कल जमानत पे आज जो है उसका फैसला सुनाया गया है, तो उसमें ईडी ने जो सबूत दिए हैं, केजरीवाल की जमानत खारिज कर दी गई है। यानी कि कोई ना कोई बीच में कांड है, इसीलिए तो खारिज। मैं बता रहा हूँ, हाँ टांग हैगी ना, तानाशाही सरकार है। हाँ, मोदी की सरकार हैगी, भाई तानाशाही सरकार है। कहाँ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। हाँ जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हूँ। नहीं नहीं, लग रहा है मुझे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। सर मैडम, केजरीवाल जी को कोई मोदी जी ने थोड़ी बंद करवाया। नहीं करवाया मोदी जी ने, मोदी जी का तो हाथ नहीं। कानून तो कानून तो सबके लिए एक है। अब एक के साथ एक फिर युद्ध हो गए तो क्या होगा? भाई साहब को मिलती होगी। कभी जीवन में एक बियर भी नहीं पिएगी। अब मजे लेने वाले तो मजे लेंगे दारू। क्या बात है, वो कह रहे मैंने तो पी नहीं फिलहाल तो। पर ये दर्द जो है वो उन महिलाओं से पूछिए जिनके पतियों ने एक के साथ एक फ्री वाली पी, और एक नहीं, दो नहीं, चार चार पेटी घर में रखी, लाइनों में लगे रहे थे। अस्पताल में जितनी लाइन लगती है उतनी ठेके में थी, हमारी खबरों में पूरी थी। उससे ज्यादा भी थी मैडम। हाँ, उससे ज्यादा थी। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। हाँ, आप मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। हाँ, शराब घोटाला। हाँ, और क्या सबूत पेश करना है? अब क्या वो मोदी जी थोड़ी आगे सबूत पेश करेंगे? पूरे मिल गए, ईडी मिली गए, जेल हो गई, जेल हो गई, हो गई। कहाँ हो गई जेल? और क्या, जेल में जमानत का तुम्हारे ऊपर अभी तुम्हारा, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई केस लगा दे। हिरासत में नहीं है, गिरफ्तार। एक केस तो लगेगा ही, केस तो लगेगा, केस तो लगेगा भाई। घोटाले करोगे तो केस तो लगेगा। अंध भक्त नहीं, ये राम भक्त है। भक्त नहीं है, राम भक्त है। 500 वर्षों के बाद कुछ नहीं कर पाए थे। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, ठीक है, जो अभी नहीं कर सकते। एक काम करो, सुनो, रोजगार के लिए ना बच्चा मंदिर में जाके बैठ जाओ। जवाब दूंगी, जवाब दूंगी। रोजगार के लिए ना मंदिर में जाके बैठ जाओ। सुनो, नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ठीक है। दूसरा भगवान, मंदिर, मंदिर नहीं चाहिए, विद्यालय चाहिए, कॉलेज चाहिए। मंदिर वाली जगह पे ही विद्यालय क्यों चाहिए? कहाँ मंदिर वाली जगह पे ही विद्यालय कहाँ है? कहाँ मंदिर कहाँ है? और क्या जगह की जगह और मंदिर की जगह कहाँ है? कहाँ है? कहाँ, क्या सबूत है उसका कि वो विद्यालय की जगह या मंदिर की जगह है? बताओ इस बात को। जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ स्कूल बनना चाहिए था, वहाँ हॉस्पिटल। शिक्षा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मंदिर से नहीं, ज्ञान मिलेगा स्कूल कॉलेजों से। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। एक मिनट, कितनी एक मिनट भाई साहब, कितनी आईटी यूनिवर्सिटी खुली है 10 साल के अंदर? एक चीज बता रहा हूँ, आईटी यूनिवर्सिटी कितनी खुली है 10 साल के अंदर? नरेंद्र मोदी जी ने कितनी खोली है? वही बता रही हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। कितनी, हमें पता है आंकड़ा, मैं आपसे कितनी आईटी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, कांग्रेस के वक्त में कितनी थी और अब कितनी खुली है 10 साल? आप, मैं आपसे यही तो भाई साहब, आपको जानकारी है बंटी जी? रोजगार, बंटी जी जानकारी है रोजगार के ऊपर? रोजगार के ऊपर भगवान है ना, सेम आपको है ना, खाने के लिए नहीं देगा। कितना आपको खाने के लिए नहीं देगा, आने के लिए
कमाने जाना। एक मिनट बिल्कुल रोजगार और धंधा चाहिए, धंधा चाहिए, कोई व्यापारी मार्केट के अंदर। एक मिनट बंटी जी एजुकेशन मैम, मैं तो खाली 9th क्लास पास हूँ। 9th क्लास से सरकारी नौकरी चाहिए किसको? आपको सुनो, सरकारी नौकरी के जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही तो नौकरी जो पाए। हाँ बिल्कुल, हमारे दलितों में बच्चे ऐसे हैं, वो एजुकेशन है लेकिन उनके साथ भेदभाव हो जाता है इस तरीके का। साल पहले क्या ये IPS थे क्या? सवाल ये पहले आप बहुत ज्यादा बंटी भाई के घर से कोई IPS था या इस कॉलोनी में कोई IPS था या ये IPS थे जो मोदी जी ने छीना? क्या छीना? क्या छीना? मैं तो इनको मंदिर की जरूरत है, इन्हें मंदिर में भेजो, चोला पिलाओ इनको चोला पिलाओ, इन्हें मंदिर चाहिए। जय श्री राम का चोला पहन रखा है, जय श्री राम का चोला पहनूंगा, जय श्री राम का चोला पहनूंगा। एक आदमी को बेचारों को मंदिर चाहिए, इसे मंदिर से भेजो। अच्छा नरेंद्र मोदी जी हमें बताएंगे कि कौन सा भगवान मानना है, कौन सा भगवान को मानना है? ऐसा शायद मेरी जानकारी में नहीं है कि पीएम मोदी ने कभी ये बात बोली हो। ये हिंदुस्तान देश है ना, ये सब धर्मों का है, बिल्कुल है, धर्मों का मान सम्मान करता है ये देश, सब धर्मों की लाज रखता है, सब धर्मों को वो करता है। अरे आप भेदभाव कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, अरे मुसलमान हमारे भाई है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं, हम उनके वहाँ पर जाते हैं, उनके वो ईद पे बुलाते हैं, हम दिवाली पे बुलाते हैं, सबके साथ उठना बैठना है। अरे आप रोजगार पे बात करो ना, जहाज बेच दिए, ट्रेन को किसको? अब ये तो बेच ही दिया सरकार ने। भाई अब मैं वही कह रही हूँ बंटी भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत दीजिए। कुमार विश्वास हमारे कवि हैं, बहुत वरिष्ठ अच्छे और अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने ये बात बोली कि आजकल बच्चे जो हैं, बच्चों सबको एक राय जरूर देना चाहूंगी, सुबह उठ के किताबें खोल के देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत देखिए क्योंकि बंटी भाई साहब की तरह ज्ञान हो जाएगा। आपने बोला कि एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, बेचा किसको और किसका था? मोदी के नाम पे था एयरपोर्ट, मोदी ने जो बेचा, प्राइवेट कर दिया ना, प्राइवेट कर दिए वो चीजें प्राइवेट कर दिएगी। आप ने देखो उदित राज जी है, वो दलितों की बात करते हैं, वो दलितों के लिए आए हैं, ठीक है, वो दलितों की बात करते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2027 में एक ही इलेक्शन होगा। अब इन राम भक्तों से ये पूछो, ये बेचारे निगम पार्षद की टिकट मांगेंगे, ये MLA की टिकट मांगेंगे, इनका क्या रह जाएगा? ये क्या टिकटें मांगेंगे? ये क्या टिकटें मांगेंगे? हमें विकसित भारत चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, हमें विधायक नहीं चाहिए, इनको निगम चाहिए, इनको राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। उठाओ नरेंद्र मोदी की तरह और हरिद्वार में भेजो या पहाड़ों पे भेजो इनको, इनको या तो पहाड़ों पे भेजो, इनको झोला उठाओ, इनके झोले के अंदर क्या है, इनको वहाँ पे भेजो। देखिए बार बार राम मंदिर का जिक्र आ रहा है, हालांकि हम यहाँ पे धर्म और आस्था को लेके डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर से आप ये कहते हैं कि राम मंदिर से क्या रोजगार नहीं मिला? किसको? यूपी के अंदर जाके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा के। आप हरियाणा के हैं, जरा यूपी में जाके देखिएगा कितने लोगों को रोजगार राम मंदिर से मिला है। राम मंदिर में टूरिज्म खुल चुका है, अब वहां पर जितने लोग लाखों की संख्या में जाते हैं वहां पे होटल वालों की कमाई हो रही है, वहां पर खाना बेचने वालों की कमाई हो रही है, वहां पे प्रसाद वालों की कमाई हो रही है, वहां के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, यूपी विकसित हुआ कि नहीं हुआ? आपने ये बोल दिया कि यहाँ पे इसकी कमाई हो रही है, उसकी कमाई हो रही है, आपने ये बताया आके दलित कितने पंडित बिठाया राम मंदिर, आपको पता है? शायद इनको जानकारी नहीं है बंटी जी राम मंदिर के अंदर दलित पंडित हैं। देखो मंदिर मस्जिद, आप जानकारी जो है वो दुरुस्त रखिए, शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे पता है मैम, आप नरेंद्र मोदी की मीडिया है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी की कोई मीडिया नहीं है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।